अगली बार फिर से 400 पार। हम लोग 400 पहुंचने में विफल नहीं हुए, ये हमारे हिंदू समाज की उदासीनता रही, जहां हमारे वोटर घर में सोए रह गए और हमको वोट कम पड़ा, और उन लोकसभाओं में हमारे हैं जहां हमारे हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कम बढ़ चढ़ करके वोट किया है। झारखंड से मंत्री पद देकर सुशोभित किया जाए ताकि छोटे उत्तर छोटी नागपुर और साथ साथ झारखंड की जनता का सम्मान बढ़ सके। चाहेंगे मोदी जी से, आशा करते हैं केंद्र के सरकार में हजारीबाग का प्रतिनिधित्व मिले और यहाँ का विकास हो, लेकिन आने वाला समय 400 पार का नारा आ जाएगा। और यहाँ पर रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर अपने एनडीए के प्रत्याशी जिनको इन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कराई, और यही वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके चुनाव प्रचार किया और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ जनता जनार्दन को बूथ तक पहुँचाया और अपने प्रत्याशी मनीष जायसवाल को जीत दिलाया, और साथ ही एनडीए के हाथों को मजबूत कर तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं के उत्साह को और जश्न के माहौल को आप वीडियो में देख सकते हैं, मनीष जायसवाल को किस प्रकार से इन्होंने स्वागत किया। अब हमारे साथ यहाँ पर एनडीए गठबंधन मतलब आजसू, भाजपा और लोजपा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने जिता तो दिया मनीष जायसवाल जी को, देश में एक एनडीए की फिर से बहुमत ला दी, अब क्या चाहते हैं आप? रामगढ़ एक ऐतिहासिक धरती है, हजारीबाग जिले से जब भी कोई सांसद यहाँ से जीत के गया है तो माननीय नरेंद्र मोदी ने उसको सम्मान देने का काम किया है। हम लोग यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग के दिल में एक इच्छा है कि माननीय मनीष जी जो जन जन के नेता हैं, जो गरीबों के नेता हैं, एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, और इतनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया है। हम लोग रामगढ़ की जनता, चाहे वो आसू के लोग हो, भाजपा के लोग हो, चाहे वो आम जनता है, उनके व्यवहार से इतना खुश है कि हम लोग एक डिमांड है कि माननीय मोदी जी तक हम लोग की बात पहुँचे। उनको हम कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को झारखंड से मंत्री पद देकर सुशोभित किया जाए ताकि छोटे उत्तर छोटी नागपुर और साथ साथ झारखंड की जनता का सम्मान बढ़ सके। पर आसू के नगर अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, डोर टू डोर गए, कैंपेन किया, लेकिन 400 पार का नारा पार नहीं कर पाए और ना ही आपने पूर्ण बहुमत लाया, हालांकि एनडीए को बहुमत मिला। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आज हम लोग 400 पार की नारा जो लगाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने भी 400 पार की नारा में हम लोग ने विफल रहा, लेकिन एनडीए का सरकार बनने जा रहा है और हजारीबाग लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने दूसरी बार सांसद बने हैं, और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास जो रुका हुआ है उनको कैबिनेट में जगह दिया जाए और मंत्रिमंडल में लाने के साथ वो विकास करने का कार्य करेंगे। सर, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, किनके बदौलत आज मनीष जायसवाल या गिरिडीह सांसद की जीत हुई? मोदी मैजिक काम किया या फिर कार्यकर्ता? देखिए, मोदी म्यूजिक तो काम किया ही है, साथ में कार्यकर्ता एक ऐसा रीढ़ का हड्डी होता है जो एक एक वोट को लाने का कार्य करता है। मैं उनको ही बधाई देना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता को देता हूँ कि कड़ी धूप में भी अपना समय निकाल कर और बहुत मेहनत किए हैं। पर मुन्ना जी, आपने बटन दबाया कमल पर, कमल खिला दिया, अब आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्षेत्र कैसा खिलखिलाता रहे? अभी आपने एक सवाल किया था कि हम लोग 400 पहुंचने पर विफल कैसे रहे हैं। हम लोग 400 पहुंचने में विफल नहीं हुए, ये हमारे हिंदू समाज की उदासीनता रही, जहां हमारे वोटर घर में सोए रह गए और हमको वोट कम पड़ा, और उन लोकसभाओं में हमारे हैं जहां हमारे हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कम बढ़ चढ़ करके वोट किया है, इस कारण गिनती थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी मोदी जी और भाजपा पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उनके एक तिहाई के बराबर में और आधे के बराबर में सारी पार्टियां खड़ी होती है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी उनके आधे तक को भी नहीं छुपाई है, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और मोदी जी पर विश्वास जनता का है, इसलिए आज भाजपा को 241 सीटें मिली हैं, और ये मोदी मैजिक ही था कि पूरे देश में कहीं कमियाँ रह गई हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती हैं कार्यकर्ताओं को संभालने में प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन अगली बार हम लोग इस कमी को सुधारेंगे और अगली बार फिर से 400 पार। आप क्या कहेंगे, आज यहाँ पर खुशी मना रहे थे आप? हमारी खुशी बहुत बड़ी है, हम लोग 400 तो नहीं ला पाए, लेकिन ये हम लोग जीत 400 से कम भी नहीं है। हम लोग चाहेंगे मोदी जी से, आशा करते हैं केंद्र के सरकार में हजारीबाग का प्रतिनिधित्व मिले और यहाँ का विकास हो।